मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्णा जी, उसका साथ मिले सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। अगर उसका प्यार मेरी किस्मत में नहीं है तो उसके मन में मेरी नफरत जगा दीजिए। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो अच्छी कैसे बात थी। जैसे कि हमने देखा आप अपनी दीदी को दिलासा दे रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि मतलब दीदी इतनी उदास है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसमें? बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग बहुत खुश थे, इन्जॉय कर रहे थे, उनका बर्थडे है आज, इतनी प्लानिंग की थी, सरप्राइजेस प्लान की, गिफ्ट्स बनाए, और वो आई तो रोते हुए। और हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि उनका बर्थडे आ रहा है तो क्या करेंगे, कैसे उनको खुश करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस प्लान करके रखे थे, और अचानक से एक ही दिन में, कुछ घंटों में इनफैक्ट सब कुछ बदल चुका है, और वो अचानक से जितनी खुश थी उतना ही ज़्यादा रोने लगी है। क्या टाइप के गिफ्ट बनाए थे कुछ बता सकते हैं? मतलब जैसे कि अपनी दीदी को खुश करने के लिए क्या चीज़ के लिए प्लान किया था कुछ? कि हैंडमेड करेंगे कुछ, या मम्मा ने बोला था कि हैंडमेड करेंगे, एकदम घरेलू जैसे करते हैं, बट फिर नकुल भैया ने आके बताया कि जो भी करेंगे इस बार कान्हा भैया करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करोगे। सो उन्होंने गिफ्ट्स प्लान की थी, बट स्टिल हमने थोड़ी बहुत गिफ्ट्स पैक की है, उनकी फेवरेट चीज़ है उसमें पैक की हुई है। आप लोगों को क्या लगता है सब कुछ ठीक हो पाएगा आपकी सयूरी दीदी के जीवन में? हर बार होता है, सो इस बार भी शायद हो जाएगा। इस बार थोड़ी डबल हो पाए क्योंकि कान्हा भैया है और पूरे चेंज हो गए हैं, उनका प्यार है दी के साथ, तो हाँ होना तो चाहिए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसे यकीन हो जाए यही सच है जो कुछ भी मैंने कहा। खुश रहे अंजलि के साथ, कि उसकी खुशी से मुझे कुछ है ही ना मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्णा जी, उसका साथ मिले सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। अगर उसका प्यार मेरी किस्मत में नहीं है तो उसके मन में मेरी नफरत जगा दीजिए। उसकी नफरत की तो अंदर हो ही सकती हूँ, इतनी नफरत भर दीजिए उसके दिल में कि अगर मैं ना भी हूँ ना तो उसे अच्छा लगे, मेरा दूर जाना उसे बुरा ना लगे, उसे कोई तकलीफ नहीं हो। प्लीज कृष्णा जी, what right?